बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दानिश परदेसी। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग जेज से जेज कैश में कैसे रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जेज कैश के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो दोस्तों, आपने अपने मोबाइल के डायल पैड पर आ जाना और यहाँ पर आपने *78# डायल कर देना और यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना, ये मेन्यू आपके पास आ जाएगा। आपने 1 लिख के यहाँ पर सेंड कर देना है सेंड मनी। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है 2 CNIC करते हैं या आपने 2 मोबाइल अकाउंट करना है। तो मैं यहाँ पे जेस कैश के मोबाइल अकाउंट में यहाँ पे रकम ट्रांसफ़र करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा 1 डायल और सेंड कर दूँगा। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है, बाकी भी यू पैसा इजी पैसे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 डायल करूँगा तो यहाँ पर यह सीधा रकम जेस कैश के अकाउंट में जाएगी। यहाँ से मैं 1 लिख के सेंड कर दूँगा। आपकी मर्ज़ी है, आप 2 करेंगे तो यहाँ से इजी पैसे में जाएगी, 3 लिख के सेंड करेंगे तो ये रकम यू पैसे में जाएगी। अगर आप यहाँ पे 4 लिखते हैं तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे रकम नहीं जाएगी, यहाँ से ही आपका मेन्यू बंद हो जाएगा। बैक जाने के लिए आपने 0 डायल करना है और मेन मेन्यू में जाने के लिए आपने 00 डायल करके यहाँ पर लिख के सेंड कर देना है। थोड़ी सी देर लोडिंग होती है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। अगर आप लोग यहां से रकम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपने फिर वो रकम 1 डायल करने के बाद एंटर करना है जिस पे आपने रकम भेजनी है। इसके बाद दोबारा आपने यहां पे वो रकम लिखनी है। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए वैसे ही यहां पे RS 1 कर रहा हूं। आपकी मर्ज़ी, आप लोग जितनी रकम यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपकी जितनी लिमिट है अपनी लिमिट के मुताबिक यहाँ पर लिखें। और यहाँ पर इसके बाद MPIN जो होता है, जो आपने 4 हिस्से का सेट किया हुआ होता है, आपने वो यहाँ पर ऐड करना होता है। इस तरह का इंटरफेस जब भी आपके सामने आते हैं आपने वेरीफाई कर लेना है कि ये बंदर ठीक है जिसको हम लोग अमाउंट भेज रहे हैं, उसका नाम आपके पास यहाँ पे शो करता है। और साथ ही आपका नंबर आता है, आप लोग नंबर और नाम को एक दफ़ा कंफर्म कर लिए करें। उसके बाद आप यहाँ पे अपना 4 हिस्से का जो MPIN होता है उसे डायल कर दिए करें। इसके बाद यहाँ पर इस तरह का एक इंटरफेस आता है कि डियर कस्टमर, RS 1 रुपये हैज़ बिन डिटेक्टेड फ्राम योर अकाउंट, वेल बी ट्रांसफ़र टू डैश अकाउंट। यहाँ पे इसके बाद कैंसिल अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 पे कर सकते हैं। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं कि क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से तरीके से हम लोगों से जो गलती से रकम सेंड हो गई है उसे कैसे रिफ़ंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके है। दोस्तों, जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरे चैनल दानिश परदेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल दानिश परदेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली मजीद इस तरह की वीडियो की अपडेट आपको मिल सके, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।